आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते। जिलाधिकारी ने बकरी ईद पर जिलावासियों को दिया बधाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें। 25 तारीख से शुरू होने वाले सावन पर जिलावासियों से किया अपील। कोरोना गाइडलाइन को 100% मानने निवेदन पूर्वक किया आह्वान। बकरीद को लेकर मैं बकरीद के पहले तो उपलक्ष्य में सारे मधेपुरा वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सावन का महीना भी 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ में जो विभाग के बिहार सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इस बार बकरीद में जैसा पिछली बार आप लोगों ने मनाया था, उसी प्रकार से इस बार भी मनाना है। सामुदायिक स्थलों पर इकट्ठा नहीं होना है, सामुदायिक नमाज नहीं अदा करनी है, आप लोगों को नमाज अपने घर में ही अदा करनी है। सामूहिक कुर्बानी का कार्यक्रम भी ना रखें। कुर्बानी देने के बाद में समूह बनाकर आप एक जगह से दूसरी जगह न जाएं, इसी की आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और वही आप लोगों को बताया भी गया है। और जगह जगह पर वीडियोस और सीओस और एसएचओस के माध्यम से शांति समिति की बैठक भी हम लोगों ने इस आशय की है। सावन की इस बार जो सावन है हमारे लिए काफ़ी ऑस्पिशियस है, क्योंकि इस सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे और काफ़ी लोग व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं। आप लोगों के लिए भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है कि मंदिर बंद रहेंगे इस दौरान में, और जो जलाभिषेक है वो सामूहिक रूप से आप नहीं करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि इसमें भीड़ ना हो, कोविड-19 का कहीं संक्रमण ना फैल जाए। अंतिम बात मैं सभी मधेपुरा वासियों से कहना चाहूँगा कि अभी कोविड का संक्रमण का जो खतरा है वो टला नहीं है। आप देखिए डेल्टा जो वायरस है उसके केसेस काफ़ी विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को विशेष सजग रहने की ज़रूरत है। और कृपया त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाइए, मगर एक भीड़ वाला जो माहौल है वो ना बनाएं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलावासियों से जिलाधिकारी ने किया अपील। मधेपुरा, चंचल कुमार।